गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? क्या आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ, कोसा फुलवारी है उधर आ गया हूँ। यहाँ मेरा एक वीडियो है, भूत परे करके एक वीडियो है, तो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो उसको भी जाकर आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं। और बताइएगा, कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों अभी मेरे साथ में पीछे जो कैमरा मैन है, डॉक्टर है, मैं उसको डॉक्टर बुलाता हूँ, तो मेरा फ्रेंड डॉक्टर अभी ब्लॉग शूट कर रहा है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से अब चल रहे हैं आगे और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अब चलते हैं दूसरा लोकेशन में और वहीं आप लोग से जाकर बात करेंगे। ऐसी जीत चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा। तो हेलो दोस्तों, हम लोग रास्ते से आ ही रहे थे, नहर वाला रास्ते से, और हम लोगों को दिख चुका है जेसीबी की खुदाई। तो जाकर दिखाएंगे आप लोगों को जेसीबी किस प्रकार से खुदाई कर रहा है, अब दिखाते हैं, ठीक ना? तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं, आगे साइड है उधर दिखा दो, तो वहीं जाकर दिखाते हैं आप लोगों को। ओके ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए 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 हम ना आए, ऐसी जीत छुप छुपाए, ऐसी जीत हम ना पाए। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अब कौन वाला रास्ते में जा रहे हैं, घर जो ये ठिनठिनी है, तो एक रास्ता उधर से गया, तो हम लोग इसमें से शॉर्टकट जाते हैं घर में, घर जो घर है उस सब में से जाते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार से रास्ता है, ठीक ना? वैसे घर है, काफ़ी लोग देखेंगे, लोगों का रिएक्ट ही अलग रहेगा, ऊपर से हाथ कैमरा है। तो चलो चलते हैं गाइस, और रास्ता में पड़ेगा ठिनठिनी, तो उधर से घूमते हुए जाएंगे और दिखाएंगे वहाँ का सीन, माहौल क्या है। तो बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ ठिनठिनी पत्थर है, यहाँ का फेमस ठिनठिनी पत्थर के नाम से यहाँ जानते हैं, और थोड़ा सा आते हैं वहाँ से, तो आप लोग आइए। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ पत्थर जो देख सकते हैं आप लोग, जो ठिनठिनी पत्थर है, यहाँ पास आ चुका हूँ, और यहाँ एक भैया हैं, तो पत्थर को मतलब फोंक के देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार से इसमें आवाज़ निकलता है, तो आप लोगों को आज सुनाएंगे और दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ आवाज़ निकलता है, तो देखते हैं आगे चल कर। अरे ओ भैया नमस्कार, कहाँ से हैं आप? हम बनारस से हैं। बनारस से? हाँ। मतलब ये पत्थर देखने के लिए आए थे? हाँ, पत्थर देखने के लिए, मैन पार्ट के लिए। अच्छा, तो बजा कर दिखाए, तो बजा कर दोस्तों आप लोग सुन सकते हैं, इसमें इस पत्थर में से हर जगह से अलग अलग प्रकार की आवाजें निकल रहा है, ये नॉर्मल पत्थर है, देख सकते हैं उसमें से अलग और इसमें से अलग, आप लोग सुनाई दे रहा होगा, ऐसे लग रहा है कि कुछ बर्तन का आवाज जैसे निकल रहा है ना भैया? और इधर अलग, इधर मटके एक टाइप लगने का,
इधर इसको सुन सकते हैं, इधर मटके जैसे आवाज निकल रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं पत्थर ठोक ठोक कर इसमें मतलब इसका आकार अलग हो गया है, मतलब जहाँ जहाँ ठोकते हैं वहाँ हल्का हल्का गड्ढा हो गया है, देख सकते हैं हर पत्थर से अलग अलग। लेकिन जो ये बड़ा वाला पत्थर है जो दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, इसमें से अलग प्रकार की आवाज़ आता है। तो क्या कारण है जो इसमें से पत्थर से मतलब बर्तन जैसे आवाज़ आता है? तो एक भाई है वहाँ, उनसे जाकर पूछते हैं थोड़ा सा पत्थर, इस पत्थर के बारे में मतलब कुछ जानकारी मिल सकता है, तो चलते हैं। है ना, और बताइए हाल चाल। और सब ठीक है। तो मैं यहाँ इस बात को पूछने के लिए आया था, जो नीचे में चिंकनी पत्थर जो लगा हुआ है ना, तो उसमें अनेक प्रकार से आवाज़ निकलता है। जो पत्थर है उसमें कहीं कहीं बर्तन के अलग अलग प्रकार के हर जगह ठोकने से अलग अलग प्रकार से आवाज़ निकलता है। तो उसमें ऐसा क्या चीज़ है जो मतलब अलग अलग प्रकार से आवाज़ निकलता है उसमें? तो ऐसे हम लोग को पता नहीं क्या है, लेकिन बोलते हैं कि बहुत बरसों मतलब उसमें मड़ी था। हाँ, तो ही मड़ी से उन लोग को वो चीज़ मिलता है ताकत। हाँ, वो ऐसी तो पूजा पाठ होते रहता है, तो पूजा पाठ ठीक ना। तो पूजा पाठ है इसका मतलब क्या मान्य है, लोग मतलब इसको क्या मानते हैं? इसको तो आप भगवाने मानते हैं, भगवाने मानते हैं, जैसे कि मड़ी। हाँ, इसका पूजा पाठ भी होता होगा। पूजा पाठ होता है, इसमें बोलते हैं कि अंदर में बर्तन है, ये वो है, हीरा है, मोती है, ऐसा। हाँ, तो इसका हर साल पूजा पाठ मतलब पूजा करते हैं लोग। हाँ, और बहुत बहुत दूर के लोग भी देखने आते हैं, बहुत बहुत दूर से। यहाँ के मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है इस जगह, ऐसे। तो सरकार इसको मतलब इसको कितना ज़्यादा आगे डेवलप करेगा, मतलब इसमें और मतलब कितना ध्यान देगा इसके बारे में? देना चाहिए इसको, बनवाना चाहिए कुछ, इसमें सुविधा भी मतलब दर्शनीय स्थल रास्ता अच्छे से मतलब इस जगह को ठीक अच्छे से मतलब सरकार को बनाना चाहिए, देख रेख करना चाहिए, ठीक ना। तो दोस्तों ये हमारे मित्र, आप लोग कुछ लोगों को पता भी होगा ये हमारे मित्र हैं। तो पास में ही इनका घर है, तो हम लोग उधर से गुजर रहे थे, तो थोड़ा सा पूछ लेते हैं, बातचीत भी कर लिए। तो ठीक था दोस्तों, यही था। तो दोस्तों से मिल भी लिए, और बाकी दोस्त लोग हैं इधर दिखाए हमारे, हाय कर दीजिए। हाय। और एक भाई हैं जो यहीं का भाई है, जो मैं कैमरा करने के लिए दिया हूँ। तो दोस्तों आगे मिलते हैं आप लोग से। तो दोस्तों अभी हम लोग इंस्टा रील्स बनाने वाले हैं, तो ये इंस्टा रील्स अभी बनेगा, जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी में मतलब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, या साइड में इधर पोपो आ रहा होगा, ठीक ना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं और फॉलो भी कर लीजिएगा, ठीक ना। हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग यही था। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग कैसा रहा, कैसा सीन लगा। आप लोग वीडियो देखकर ऐसे ही निकल जाते हैं यार, अच्छा लगा तो लाइक, नहीं लगा तो डिसलाइक। आप लोग जैसा भी लगा आप लोग लगेगा आप लोग कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि कमेंट मतलब ब्लॉग कैसा रहा, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ कैसा लग रहा है, कैसा बना रहा हूँ। तो यही था, अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक, चैनल को अगर नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल में प्रेस करके घंटा जोर जोर से बजा दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टाटा बाय बाय।